तो फ्रेंड्स वेलकम टू लेश्वर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स पुणे यूनिवर्सिटी के समर एग्जामिनेशन के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स आपका जो ऑफिशियल सर्कुलर है समर 2022 की एग्जामिनेशन का वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको आपके सर्कुलर में लिखी हुई सारी जो इंपॉर्टेंट बातें वो बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना ताकि आपको सारी जो चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो फ्रेंड्स ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। सो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका सर्कुलर आपकी समर 2022 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विषय है वो मार्च अप्रैल 2022 में जो आपकी समर एग्जामिनेशन होने वाली है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है वो आया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो पुणे यूनिवर्सिटी की समर 2022 के एग्जामिनेशन होने वाली है को मतलब यूजी और पीजी की वो आपकी ऑफलाइन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड से ही जो है वो होने वाली है। मतलब जो पहले होती थी आपकी ऑफलाइन मोड से एग्जामिनेशन उसी तरीके से जो आपकी एग्जामिनेशन का मोड है वो रखा गया है। फिर यहाँ पर इन्होंने और बताया है कि जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आपको 2 दिन का जो गैप है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर आपका पेपर 1 तारीख को है तो आपको उसके 2 दिन के बाद जो आपका दूसरा पेपर है वो रहने वाला है। मतलब आपको हर एक पेपर के बीच में 2-2 दिन का जो गैप है वो पढ़ने के लिए मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं फिर आपकी जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो देखने को मिलने वाला है। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपका टाइम पूरा हो गया तो फ्रेंड्स आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा के जो है वो मिलने वाले हैं। ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है। आगे देखते हैं और फ्रेंड्स इन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन बैंक है वो भी जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं। मतलब आपको क्वेश्चन बैंक भी जो है वो मिलने वाला है एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी सारी जो अच्छी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई है। फिर इन्होंने लास्ट बताया है कि पूरे दिन भर में जो भी आपकी एग्ज़ामिनेशन होने वाली है तो फ्रेंड्स हर एक एग्ज़ामिनेशन के बीच में आपको 1-1 घंटे का हर दो एग्ज़ामिनेशन के पेपर के बीच में आपको 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर एक पेपर 11 बजे छूटता है तो उसके 1 घंटे बाद जो है वो दूसरी एग्जामिनेशन आपकी शुरू होगी। तो फ्रेंड्स ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके इस सर्कुलर में बताई गई है। आपका ऑफिशियल सर्कुलर पुणे यूनिवर्सिटी की समर एग्जामिनेशन का वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है जिसके हिसाब से आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है यूजी और पीजी की वो ऑफलाइन मोड से ही कंडक्ट होने वाली है। आपको 2 दिन का गैप मिलने वाला है और आपको पेपर के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी जो है वो मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाला है। ऐसी सारी जो इंपॉर्टेंट बातें और आपके हित में जो बातें वो इसमें बताई गई है। सो फ्रेंड्स आपका भी काम इतना है कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो आप शुरू कर दीजिए क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सर्कुलर है वो यहाँ पर आ गया है। और फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद आपको जो टाइम टेबल के अपडेट्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही टाइम टेबल के अपडेट्स आते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह तो आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं, मैं वो आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।